नमस्कार। चीन से शुरू होकर जो वायरस, चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, उसने जिस तरीके से तबाही मचाना शुरू किया है, इटली से लेकर स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पूरा दुनिया अब लॉकडाउन है, पूरी दुनिया घर के अंदर है, हर जगह कर्फ्यू है और सब अपने घरों में कैद है। इसलिए कैद हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस, जिस तरीके से ये महामारी मानव जाति के लिए संकट खड़ा कर दिया है, जो ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, ये खतरनाक वायरस जिससे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, जो ज़्यादा बीमारियां हैं, ग्रस्त हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है ये। और इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। भारत में जो ये विदेशों से लोग आए, जो यहाँ के लोग इटली या सऊदी अरब, ईरान और चाइना या अन्य जगहों गए थे, वो जब भारत में आए तो उनसे यहाँ के लोगों में फैल गया और ये समस्या बढ़ती गई और इस नौबत में आ गई कि आज 600 से ज़्यादा केसेस भारत में हैं, 10 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, 40 करीबन रिकवरी हो चुकी है। लेकिन हम आपको इसी बीच बड़ी बात बता दें कि जो ये कोरोना वायरस को बचाने के लिए जो एक दूसरे को संपर्क न करें और जो ऐसे विदेश से आए हुए हैं उनको सरकार तक सूचित करें कि कैसे वो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के जिले में एक मस्जिद के अंदर 11 विदेशी मौलवियों को पकड़ा गया है, वो मस्जिद के अंदर उनको छुपाया गया था। आप लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। इससे पहले पटना के एक मस्जिद में भी कुछ इमामों को रखा हुआ था। आपको बता दें कि जो ये 12 इमाम थे पटना में, अब रांची में 11 करीबन इमाम पकड़े गए हैं। और ये जो इमाम थे, इसमें 3 चाइना के इमाम थे। चाइना यानी चीन से जो वायरस आया है, ये चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस, ये इतना संक्रमित हो रहा है, इतना नुकसान फैला रहा है और पूरी दुनिया में जो ये जानलेवा महामारी फैल रही है, संक्रमित एरियों से आ रहे हैं उनको सरकार तक उनकी जानकारी पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मामला सामने आता है। रांची के एक जिले में जो तड़ाम जिला है, वो राड़ गांव की मस्जिद में छिपे हुए थे ये 3 मौलवी, चीन के हैं और जबकि 4 किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के हैं। और जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन और अन्य लोगों ने यहाँ पे इनको पकड़ा तो इनकी शिनाख्त चीन के मा मैनाई, ये देहाई, मा मेरली और कर्गिस्तान के नूर करीम, नारनील, नूर गाजीन अब्दुल्ला और कजाकिस्तान के मिसलो साकिर इलियास के रूप में हुई है। और पटना मामले के तहत इन मौलवियों को खुद पूछताछ के मजहब का प्रचार करने के लिए आए थे। और आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से तड़ाम में ये रुके थे चीन के सहित जो कजाकिस्तान वगैरह ये अन्य कंट्रीज़ के जो ये मुस्लिम मौलवी थे, इनको यहाँ पर छापेमारी में पकड़ा जाता है। लोग यहाँ पर सूचित करते हैं प्रशासन को, खुफिया रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पे इनको पकड़ा गया है। और आपको बड़ी बात बता दें कि ये जो पकड़े गए हैं उनको उसके बाद क्वारंटाइन कर दिया गया है और कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग स्कूल मुसाबनी भेज दिया गया है और इनके कागजों की जांच की जा रही है। और बंडू डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि कुछ विदेशी मुस्लिमों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी और सूचना पर वीडियो के साथ तमाम थाने की टीम को रड़गांव भेजा गया और वहां एक मस्जिद में 11 मुस्लिम विदेशी मुस्लिम मिले और पुलिस जांच में पड़ताल में सभी को कब्जे में ले लिया गया। इनके कागजों की जांच चल रही है। ये सभी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के रहने वाले हैं। सभी का वीज़ा पासपोर्ट जब्त कर दिया गया है। तो आप लगा सकते हैं कि पटना में भी यही हाल हुआ, जहां 13 करीबन विदेशी मौलवी पकड़े गए थे। अब दूसरी ये खबर रांची से आ रही है, ये मस्जिद में ये भी वहां छुपे थे।
तो आप लगा सकते हैं कि एक तो हम पूरे जो भारत के अन्य लोग थे जो विदेशों से आए थे, कनिका कपूर का केस दिया, देखा कि कितने वो लंदन से आती है और हर जगह यहाँ पर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश करती है। जब ये विदेशी से चाइना जैसे कंट्री से आए हैं तो कितना खतरनाक है, कितने लोगों तक ये महामारी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको जब लोकल लोगों ने इनकी सूचना मिली, उनको खबर लगी, तो उन्होंने प्रशासन को बताया, इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। तो ये लगा सकते हैं कि ये सबके लिए खतरा है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जो विदेशी आदमी दिखता है तो उसको तुरंत संपर्क करें, क्योंकि शायद वो अन्य लोगों की तरह संक्रमित हो सकता है, पॉजिटिव पाया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जो भारत में ये कोरोना वायरस आया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ विदेशों से आए हुए लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये चाइना से में पनपा है और चाइना की उपज है ये वायरस, और चाइना के वुहान सिटी से ये शुरू हुआ और किस तरीके से पूरी दुनिया में फैला है, इसका कारण है कि पूरे एयरपोर्ट की इंटरनेशनल सर्विसें बंद कर दी गई, नेशनल सर्विसें बंद कर दी, पूरा रेलवे बंद कर दिया, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, समझो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको छोड़कर। आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं और दूसरों की जान को खतरा दे रहे हैं, पूरे देश की सुरक्षा और उनकी लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसे संदिग्ध और या देखते हैं तो वो संपर्क करें, और ये विदेश से आए हैं, ये छुपे क्यों थे, इनको तो पहले खुद जाकर प्रशासन को बताना था कि हम वहाँ से आए हैं, हमारा चेकअप कर दीजिए, हमारा कोरोना टेस्ट कर दीजिए, क्या हम में कोरोना तो नहीं है। और ये यहाँ धर्म प्रचार के नाम पर अगर आए हैं तो इस तरीके से छुपे क्यों बैठे थे, ये बड़ी शंका प्रशासन की और लोगों के मन में है। और इनसे पूछताछ में जानकारी ली जाएगी कि क्या ये पॉजिटिव थे या इनके निगेटिव हैं। अब इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स को भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और काफ़ी 71 साल के हैं वो, और उनके पॉजिटिव पाए जाने की खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लोग डरे सहमे हैं, और वैसे डरे सहमे होने की कोई डरने की बात नहीं है, आप सावधानियां बरतें। जो सरकार ने बताई, जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सावधानी बरतें। घर में भी आप 3-4 मीटर करीबन दूरी बनाए रखें, आप एक दूसरे से संपर्क में ना रहें, चाहे वो आप परिवार में हो, चाहे आप बाहर हो। बाहर तो आप बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि पूरा देश 21 दिन का लॉकडाउन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 18 दिन में हमने महाभारत की लड़ाई जीती थी और अब ये 21 दिन की लड़ाई ये कोरोना के खिलाफ लड़नी है, और ये इस कोरोना को हराना है। और अगर इसको हराने का एकमात्र तरीका है तो वो घरों में रहना है, और घरों में बैठकर आप बिल्कुल सावधानी बरतें, बाहर कोई ऐसे लोगों से ना मिलें कि जो संक्रमित हो सकता है, जो आपके अंदर यहाँ पर कोरोना वायरस फैला सकता है। ये बड़ा ख़तरनाक वायरस जो पूरी दुनिया को एक हिला दिया है, शायद किसी विश्व युद्ध में भी इतनी तबाही या इतना खौफ और इतना डर पैदा किया होगा, या पूरी जो मानव जाति है, हर पूरी दुनिया का कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि जो इस बीमारी से डर गया होगा, जो अपने घरों में कैद है। आपको बता दें कि भारत सरकार आपकी पूरी मदद कर रही है, राज्य सरकारें आपकी मदद कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप घरों में रहिए, होम डिलीवरी हो रही है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें मत खरीद कि आप अपने घर में ही पूरा भर देंगे और जो गरीब हैं या अन्य लोग हैं उनके लिए कमी हो जाए। आप होर्डिंग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि 21 दिन के बाद अगर सही स्थितियां रहीं तो काफ़ी हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे। और आप गरीब लोगों की ज़रूर मदद करें, क्योंकि उनके पास शायद इतने पैसे भी ना हों, जो दिनचर्या वो डेली की
कमाई करते थे वो सब चौपट हो गया है, क्योंकि 21 दिन तक तो वो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के भी ख्याल रखिए कि जो आप के अन्य समय पर तो काम आते थे, लेकिन इस समय उनकी रोजी रोटी, उनको परिवार चलाने का संकट है, तो उन